हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है या उसके डिफरेंट तरीके कौन से हैं स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो टुडे वी स्टार्ट विद स्ट्रिंग्स। तो देखिए, पाइथन में क्या होता है कि स्ट्रिंग इज ए फंडामेंटल डाटा टाइप इन पाइथन एंड द लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। यानी स्ट्रिंग्स को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंडामेंटल डाटा टाइप माना गया है और देर आर वेरियस वे टू मैनिपुलेट ए स्ट्रिंग इन द पाइथन। स्ट्रिंग्स आर इंक्लोज इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। यानी स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में और ट्रिपल कोट्स में आप शो कर सकते हैं पाइथन में। ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। तो जो ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग्स होती हैं वो कई लाइन में फैली हुई हो सकती हैं। सर्टेन कैरेक्टर्स सच एज स्लैश एन हैव स्पेशल मीनिंग एंड आर नॉट ट्रीटेड एज टू कैरेक्टर बट वन। तो ऐसे जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्लैश एन है तो ये दो कैरेक्टर की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है, दे हैव दियर ओन स्पेशल मीनिंग। दीज आर कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर्स और एस्केप सिक्वेंसेस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर्स या एस्केप सिक्वेंसेस। ठीक। स्ट्रिंग्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड रेडली बाई यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो वो आप प्लस ऑपरेटर की मदद से आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। नोट दैट कॉन्कैटिनेशन डज नॉट ऐड ए स्पेस बिटवीन द टू स्ट्रिंग। और जब दो स्ट्रिंग का आप कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो उन दोनों स्ट्रिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स आपको देते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो मान लीजिए हमने ये लिखा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या मतलब समझ लीजिए, स्टेटमेंट्स, और ये हो गया आउटपुट। अब इसमें क्या होगा इन केस ऑफ पाइथन, मान लीजिए आपने लिखा कि पहली लाइन में आपने यहाँ लिखा वन लाइन इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में आपने लिख दिया वन लाइन। ठीक है, फिर टू लाइन में आपने डबल कोट्स में लिखा टू लाइंस इस तरह। और अगर आप इनको मल्टीपल लाइन में लिखना है तो फिर आपको ट्रिपल कोट्स, एक कोट्स और बढ़ा दीजिए, ये आपको ट्रिपल कोट्स में लिखना होगा। तो यही चीज हमने देखिए यहाँ पे लिखी, तो ये ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये हम ये कमेंट लाइन में आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ट्रिपल कोट्स यूज किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये दो लाइनों में मल्टीपल लाइन में फैला हुआ है। अब हमने कहा कि मान लीजिए हमने कहा कि प्रिंट, यहाँ हमने लिखा प्रिंट वन लाइन कॉमा टू लाइन। ठीक है, अब इसका क्या होगा, इसका जो आउटपुट आएगा यहाँ पे आपका, यह आएगा वन लाइन टी डब्ल्यू ओ लाइन्स। तो प्रिंट में यहाँ पे आ जाएगा वन लाइन, उसके बाद आएगा टू और फिर ये आ जाएगा लाइन्स, इस तरह से आउटपुट आएगा। दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा एरर लाइन इज इक्वल टू यहां हमने लिखा एरर लाइंस। अब यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये डबल कोट्स में दिया हुआ है, दिस इज इन डबल कोट्स।
जब आप डबल कोट्स में देंगे और मल्टीपल लाइन में देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर मल्टीपल लाइंस में देना है तो ट्रिपल कोट्स यूज़ कीजिए, और अगर सिंगल लाइन में देना होता है तो डबल कोट यूज़ करते हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या दिखा देगा, यहाँ पे दिखा देगा सिंटेक्स एरर। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए आप टेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या होगा, आपने स्टेटमेंट दिया प्रिंट, ब्रैकेट लगाया आपने, माई ड्राइव इज सी स्लैश एन ASRE, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नोट स्लैश एन ये, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको मिलेगा जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह लिखा मिलेगा, माई ड्राइव इज सी और ये आ गया ASRE। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट जब हम देंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ लिखा प्रोग्राम और यहां लिख दिया हमने आउटपुट, ठीक है। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट माई ड्राइव इज सी 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 इसका मतलब क्या हुआ, एस्केप्ड स्लैश, इसका मतलब ये हुआ एस्केप्ड स्लैश। फिर यहां पे हम लिखेंगे प्रिंट आर माई ड्राइव इज सी, ये क्या है, ये है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, माई ड्राइव इज सी ये, ठीक है। इस तरह अगर आप ये स्टेटमेंट देंगे तो ये आउटपुट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप ले लीजिए, नेक्स्ट मान लीजिए हमने कहा प्रिंट आई डोंट अंडरस्टैंड कोड्स,
आई डोंट अंडरस्टैंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट लीजिए, आई डोंट अंडरस्टैंड कोर्ट्स। अब नेक्स्ट लाइन मान लीजिए, हम इस तरह देते हैं, प्रिंट आई डोंट अंडरस्टैंड कोर्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आई या आएगा इस तरह डिस्प्ले होके, आई डोंट अंडरस्टैंड कोर्ट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने कहा प्रिंट टैब स्लैश टी सेपरेटेड स्लैश टी टेक्स्ट स्लैश टी ऑन द सेकेंड लाइन। प्रिंट सेपरेटेड स्लैश टी टेक्स्ट स्लैश नॉन द सेकेंड लाइन। ठीक है, इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टैब सेपरेटेड टेक्स्ट ऑन द सेकेंड लाइन। टैब सेपरेटेड टेक्स्ट ऑन द सेकेंड लाइन। इस तरह से जो जो स्टेटमेंट आता जाएगा उसका आउटपुट आपको लिखते जा रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है वन लाइन प्रिंट वन लाइन कॉमा वन लाइन, तो ये क्या हो गया स्पेस सेपरेटेड। तो एक तरह से ये हो गया आपका स्पेस सेपरेटेड और अगर हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे प्रिंट वन लाइन प्लस वन लाइन तो क्या होगा कॉन्कैटिनेशन होगा कॉन्कैटिनेटेड। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जो है हम स्टेटमेंट देके उनका स्ट्रिंग के केस में आउटपुट देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें हम एक एग्जांपल और देते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाएगा। आउटपुट आएगा वन लाइन वन लाइन वन लाइन और आ जाएगा आपका इसमें वन लाइन इस तरह आएगा, नीचे वाले में वन लाइन और वन लाइन इस तरह आ जाएगा आपका आउटपुट। अब कुछ और स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने प्रोग्राम में इस तरह दिया कि प्रोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ हमने लिख दिया ऑपरेशन या आउटपुट।
या मान लीजिए हमने दिया प्रिंट, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा भाई आंसर इज नो नो नो। ठीक है, अब उसका हमने नेक्स्ट दिया एन इक्वल टू इनपुट इंटीजर इनपुट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 5। यहाँ पे पाइथन जो है 5 बार प्रिंट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका पाइथन ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एज द फाइनल एग्जाम्पल शोज ए स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इजली विद ए मल्टीप्लायर। पाइथन प्रोवाइड्स ए लार्ज सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। पाइथन प्रोवाइड्स ए लार्ज सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड फंक्शन टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए पाइथन जो है काफी ढेर सारे फंक्शन और मैनिपुलेशन मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स जो है स्टेप्स जो है वो बताता है। ठीक है, अब इसके कुछ और एग्जांपल जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।